होने की जो सूचना है वहां के सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी गई। नगर पालिका इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ 384 का ये मामला है। ईवीएम खराब हुई है ललितपुर में, ईवीएम खराब की सेक्टर मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। नगर पालिका इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ 384 का ये मामला है। और करण भूषण देखिए भगवान को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। केसरगंज बेहद हाई प्रोफाइल सीट जहां से इनके पिताजी सांसद हैं और अभी भी, लेकिन हालांकि इस बार जो टिकट है उनका कट चुका है और कहा जा सकता है कि ये जो टक्कर है काफ़ी कांटे की है। मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण और इस बार बीजेपी ने टिकट ब्रजभूषण शरण सिंह को ना देकर उनके बेटे करण सिंह को दिया है और इस बार वो मैदान में उतरे हैं। और उससे पहले आप देखिए भगवान को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद कड़ा मुकाबला है ये केसरगंज सीट का। यहाँ पर भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी और इनके सामने नरेंद्र पांडे बीएसपी से प्रत्याशी हैं। फिलहाल आप देखिए कि जिस तरीके से चुनावी मैदान में किस्मत अपनी आजमा रहे हैं करण भूषण सिंह, वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह मंदिर में पहुंचे हैं भगवान के दर्शनों के लिए। लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण और कैसरगंज सीट की अगर बात करें तो बेहद हाई प्रोफाइल सीट और आज यहां पर मतदान हो रहा है। कैसरगंज ये सीट है जहां पर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया। उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं और इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बसपा के नरेंद्र पांडे से है। पूजा अर्चना का क्रम जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त करण भूषण सिंह मंदिर पहुंचे हैं। चार चरण बीत चुके और आज बारी पांचवें चरण की और पांचवें चरण में तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं। ललितपुर में पोलिंग बूथ संख्या 384 में ईवीएम खराब हुई है। ललितपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं, सीधा रुक करेंगे। संजीव क्या अपडेट है? स्वाति जी आपको बता दूं कि जहां से ललितपुर लोकसभा चुनाव के आज मतदान हो रहा है तो वहीं जो ललितपुर की नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज है वहां के बूथ संख्या मध्य स्थल 384 की दो जो ईवीएम मशीन है वो खराब पाई गई है। जो वहां के जो एजेंट थे, एजेंट ने जब वहां मॉकड्रिल किया तो मॉकड्रिल वो मशीनें खराब पाई गई थी तो उसकी शिकायत वहां के सेक्टर मजिस्ट्रेट से की गई है। जो गौरव रजक नाम का एक युवक है उसने सेक्टर मजिस्ट्रेट से शिकायत की है कि यहाँ दो मशीनें खराब है, इनको या तो बदला जाए या इनको सही कराया जाए। फिलहाल में जो प्रशासन है वो मशीनों को सही कराने में जुटा हुआ है। स्वाति अभी कितना वक्त लगेगा? स्वाति जी आपको बता दूं जिस तरह से अभी एक घंटे हो गया है, एक घंटे तक अभी मशीनें सही नहीं हुई हैं, तो अगर मशीनें सही नहीं होती तो उनको बदलने की प्रक्रिया की जाएगी। स्वाति चलिए बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए ललितपुर में भी यही स्थिति है, पोलिंग बूथ संख्या 384 का ये मामला है और यहाँ पर जो ईवीएम है वो खराब हुई है। फिलहाल सेक्टर मजिस्ट्रेट से ये शिकायत की है। देखिए दुश्वारियां उत्तर प्रदेश के तमाम 14 सीटों पर कुछ जिलों में आ रही है जहां पर ईवीएम खराब है और हालांकि इसको ठीक किया जा रहा है। तमाम जगह जो एक्सपर्ट है वो पहुंचे हैं। इंटर कॉलेज परिसर का ये मामला है जहां पर। और अगली खबर फतेहपुर से है जहां पर शादीपुर में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली इलाके का पूरा मामला है। खबर है फतेहपुर से जहां पर चुनाव चल रहा है। शादीपुर में मतदान केंद्र के बाहर ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। सदर कोतवाली इलाके का मामला है। एक तरफ वोटिंग और दूसरी तरफ मतदान केंद्र के बाहर ही आपस में दो पक्ष भिड़ पड़े हैं। मारपीट का वीडियो, इनसे जुड़ी जो मारपीट है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फतेहपुर से ये खबर है। शादीपुर में मतदान केंद्र के बाहर
दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। इनसे जुड़ा जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे फतेहपुर से, एक तरफ बूथ पर वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ आपस में ही दो पक्ष भिड़ चुके हैं और इनसे जुड़ा जो वीडियो है वो सामने आया है। एक तरफ पांचवा द्वार चक्रव्यूह का वोटिंग चल रही है, मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आप देखिए तस्वीरें आ रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपस में ही भिड़ गए हैं दो पक्ष। और रोड पर आते जाते लोग इनका वीडियो बना रहे हैं। आपस में ही दो पक्ष भिड़े, फतेहपुर से जुड़ा ये वीडियो बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। फिलहाल आप देखिए जो वोटर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स भी पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग। झांसी के हाफिज सिद्दीकी में DIG कला दीदी ही पहुंचे हैं, देख सकते हैं, से बातचीत कर लेंगे। ये आज लोकसभा निर्वाचन के पांचवें चरण में झांसी परिक्षेत्र में आज चुनाव है, जिसमें अभी हम झांसी जनपद का भ्रमण कर रहे हैं और आपने देख लिया होगा अभी 7/24 है और हमारा पूरा फोर्स इसमें मुस्तैद है। हमारी सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल सभी एक्टिवली काम कर रही हैं। अभी सूचना तंत्र अपना काम कर रहा है, सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। सभी लोग चक्रमण में हैं, हमारे CO से एडिशनल सभी SP, और हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो जाए। फोर्स जितना भी है उसकी ब्रीफिंग बहुत अच्छे से की गई थी और वो इसलिए आज अपना काम जो है अच्छे से कर रहे हैं और हमें ये आशा करते हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और अपने मतदान का प्रयोग करते हुए, मतदान करते हुए जो है लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे पर जो DIG झांसी हैं और उन्होंने भारत समाचार से बात की, उन्होंने कह रहा है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन बीबी के साथ ऐसे झाबार समाचार झांसी। देश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है, इसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए घरों से निकलिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। तो आप देख रहे हैं वोटर्स भी लंबी लंबी कतारों में लगे और फिलहाल आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अमेठी में भी यही स्थिति, 372 बूथ में EVM खराब हुआ है और अभी तक 372 बूथ संख्या पर मतदान शुरू नहीं हो पाया। संसारीपुर बूथ संख्या 372 का मामला है, वहां से जुड़ी बड़ी अपडेट, 372 बूथ संख्या पर अभी तक वोटिंग नहीं शुरू हो पाई। आप समझिए कितना बड़ा व्यवधान लोकतंत्र के इस पर्व में।